हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनको मैं आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके में दोस्तों आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग सीपी हमेशा 100 मानते हैं, ओके, और उसे लाभ पर बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। जब लाभ पे बेचते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस में जो टोटल जो लाभ मिलता है उसको ऐड कर देंगे, तो ये एसपी हो जाएगा 125। तो दोस्तों 125% जो निकला है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वो हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये के बराबर। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितना होगा, तो 40% लाभ है तो इसमें प्लस लगेगा, तो कितने रुपए में बिकता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों परसेंटेज में। तो 140% हम लोग निकाल लेंगे, तो 140% इज इक्वल टू एक्स मान लिया, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, भी 20,000 इंटू 140 अपॉन 125। अब इसका हम लोग काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर से 5 से काटेंगे, 5 25 ये हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 4,000 ये हो गया। फिर से हम लोग दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 800 का गुणा हम लोग 28 में करेंगे कितना आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने किया 800 का गुणा 28 में, तो हमारा आएगा दोस्तों आंसर 22,400, ये हमारा एसपी आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपये में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। तो दोस्तों तो हम लोग सीपी तो हम लोग 100 मानते हैं, और उसमें 35% लाभ जोड़ दें तो वो हमारा एसपी निकल आता है। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 135। तो 135% कितना दिया, कितने बेचा, 15,000, 135% इज इक्वल टू 15,000। अब भाई उसे कितने रुपए में बेचे, तो उसे एक्स मान लेंगे, और उसे 10% की हानि हो रही, तो हम लोग सीपी में -10 करेंगे तो वो हमारा न्यू एसपी आ जाएगा, तो 90 ये हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 15,000 इंटू 90 बट्टे 135। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 5 एकम 5, 5 8 40, ये 3 से कट जाएगा, 3 27, 6 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 2 6। अब ये 3 से फिर काटेंगे, ये 5 15, 5,000 × 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 10,000। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आपका कैलकुलेशन सिर्फ फास्ट होना चाहिए, आप अपने कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला। इफेक्टिव परसेंटेज दोस्तों बताया था पीछे फार्मूला, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू पी अपॉन 100। इस फार्मूला की सहायता से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो 2 टीवी सेटों को एक पर उसे 20% का लाभ होता है, तो लाभ को हम लोग प्लस करेंगे तो 20 प्लस, और दूसरे पर 20% की हानि तो -20, हानि को माइनस में करेंगे तो 20 × -20/100, ये कटा और 20 से ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा दोस्तों -4% की हानि हो रही है। अगर माइनस लगा तो हानि, अगर प्लस लगा तो लाभ।
इस क्वेश्चन को आप दोस्तों 10 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में दोस्तों कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा और उसकी सहायता से आप आसानी से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।